एरी फ्रैंकलिन भी है यार, जल्दी चलो ना वरना एक्सिबिशन बंद हो जाएगा। हाँ हाँ शिनचैन यार चल ही तो रहा हूँ, अब दौड़ के जाओ क्या। और गाइस यार ये सब छोड़ो, आप लोग सामने की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर ना सुपर हीरोज के सूट का एक्सिबिशन लगा है और वही देखने मैं और शिनचैन आए हैं। और भाई साहब यार यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लेकिन उससे हमें क्या, चलो फटाफट अंदर जाते हैं। अरे कौन अंदर को कहाँ घुस रहा है, रुक इधर ही। सिक्योरिटी वाले भाई साहब यार मैं और शिनचैन तो बस यहाँ पर ये एक्सिबिशन देखना है, प्लीज हमें अंदर जाने दो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं कलवे, तू और ये छोटा बच्चा अंदर नहीं जा सकते, अंदर सिर्फ वीआईपी लोग जा सकते हैं, चलो फुटे आओ तुम दोनों। अरे सिक्योरिटी वाले अंकल हमें प्लीज अंदर जाने देना, वरना मैं यहीं पर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दूंगा, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। ये बाहर छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, ओ सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर आने दो। अच्छा अच्छा ठीक है सर आने देता हूँ, जाओ छोटे बच्चे और कलवे तुम दोनों अंदर जा सकते हो। वाह यार शिनचैन तेरा रोना तो यहाँ पर काम आ गया, चल फटाफट अंदर जाते हैं। अरे थैंक यू सो मच साइंटिस्ट सर यार, आपने हमें अंदर आने दिया, हमें बस यहाँ पर ये जो बड़े बड़े सुपर हीरोज के सूट है ना ये देखने थे। अरे हाँ हाँ साइंटिस्ट अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अंदर आने दिया। कोई बात नहीं छोटे बच्चे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम लोग यहाँ पर किसी भी सूट को हाथ मत लगाना। साइंटिस्ट सर आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग किसी भी सूट को हाथ नहीं लगाएंगे। और गाइस यार आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो कितने ज्यादा तगड़े तगड़े सुपर हीरोज के सूट है, यहाँ पर स्पाइडरमैन, वेनम, हल्क और बाप रे बाप पता नहीं कितने ज्यादा लोगों के सूट है। लेकिन यार एक मिनट शिनचैन, यहाँ पर आयरन मैन का एक भी सूट नहीं है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं भी वही कब से सोच रहा हूँ, आयरन मैन तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है, लेकिन उसका यहाँ पर तो सूट ही नहीं है। हाँ शिनचैन यार वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, लगता है कि इस पूरे एक्सिबिशन में कहीं पर भी नहीं है, लगता है कि मुझे आयरन मैन का सूट लाना होगा। लेकिन यार वो सूट मैं लाऊंगा कैसे, एक मिनट जाके साइंटिस्ट अंकल से बात कर लेता हूँ। अरे साइंटिस्ट सर यार आप मुझे बता सकते हो क्या कि आप जो इतने बड़े बड़े सुपर हीरो का सूट कैसे लेकर आते हो। हाँ मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। साइंटिस्ट सर मुझे आपकी हर शर्त मंजूर, आप बताओ तो सही मुझे क्या करना होगा उसके लिए। उसके लिए जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे आयरन मैन का सूट ला सकते हो। अच्छा साइंटिस्ट अंकल बस इतनी सी बात है क्या, ये तो मैं अभी करवा देता हूँ। गाइस यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि साइंटिस्ट अंकल मुझे बता सके कि मैं कैसे आयरन मैन का गॉड लेवल वाला सूट ला पाऊं एक्सिबिशन के लिए। हाँ तो फ्रैंकलिन मैं तुम्हें वो सीक्रेट वेबसाइट दे रहा हूँ, जहाँ पर तुम जाके पैसे कमा के बहुत सारे आयरन मैन के सूट खरीद सकते हो। तो जाओ मेहनत करो, पैसे कमाओ और वहाँ से आओ, तुम्हें ना गॉड लेवल वाले आयरन मैन के सूट भी खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच साइंटिस्ट अंकल यार, आपने हमारी इतनी मदद कर दी। अब देखो गाइस मैं कैसे ना आयरन मैन का गॉड लेवल वाला सूट लेकर आता हूँ, लेकिन यार उसको लाने के लिए ना मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते जो $1 वाला आयरन मैन का सूट है उससे। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन आप पक्का मेहनत कर पाओगे ना, क्योंकि मुझे तो पता है आप एक नंबर के आलसी हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला। अबे शिनचैन यार ऐसा बोल के मेरी बेइज्जती मत कर। गाइस यार आप लोग आज देखना मैं कैसे ना अपने आप को अपग्रेड करता हूँ $1 सूट आयरन मैन से लेकर $1 बिलियन वाले गॉड आयरन मैन सूट तक। गाइस यार मैंने शिनचैन के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली कि पैसे कमा लूंगा, लेकिन कमाऊं कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी अटक गई है, somebody please help me। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मुसीबत में, रुको अभी फटाफट कूद कर देखता हूँ। अरे गाइस यार मैं तो भूल ही गया, मैंने पैराशूट खोला ही नहीं और बहुत जोर से माथे पे चोट लग गई यार, थोड़ा बहुत खून भी निकल गया। नहीं कोई बात नहीं, चलो जाकर फटाफट मदद करते हैं, उसी बहाने हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अरे दीदी क्या हुआ आपकी गाड़ी को? वैसे गाइस यार मैं इसको दीदी क्यों बोल रहा हूँ, ये लड़की तो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो दीदी की मदद करने की जगह उन पे लाइन क्यों मार रहे, चुपचाप जाके उनकी मदद करो ना। हाँ शिनचैन वही तो करने आया हूँ। अरे आपकी गाड़ी को क्या हुआ, आपने यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर कैसे चढ़ा दिया? अरे भाई साहब मैं तो बस ये पुल क्रॉस कर रही थी और ये गलती से गाड़ी ऊपर चढ़ गई। वो क्या है ना कि मैंने अभी भी गाड़ी सीखी है और ये नई वाली गाड़ी ना मुझे मेरे पापा ने आज मुझे बर्थडे गिफ्ट की थी। क्या बोला आपने, आज आपका बर्थडे, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। और गाइस यार आप लोग भी कमेंट में जाके इस प्यारी सी लड़की को हैप्पी बर्थडे विश जरूर करना। वैसे आपने गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा ऊपर अटका दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको पक्का निकाल दूंगा। थैंक यू सो मच भाई साहब जो आप मेरी मदद करने के लिए आ गए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और गाइस यार मैंने इस लड़की से बड़े बड़े वादे तो कर दिए हैं, देखते कि ये गाड़ी निकलती भी है कि नहीं। चलो फटाफट अंदर जाता हूँ। और भाई साहब यार ये मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और यार ये तो पीछे ही नहीं आ रही है, लगता है कि थोड़ा मुझे और ताकत लगाना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, थोड़ा ब्रेक को और क्लच को एक साथ पीछे खींचता हूँ और ये मैंने रिवर्स मारा। अरे यार ये गाड़ी तो नीचे नहीं, अच्छा अच्छा थोड़ा सा नीचे आई। और गाइस यार हुर्रे, ये देखो मैंने फाइनली गाड़ी को बाहर निकाल
निकाल दिया है। ये लीजिए आपकी मैंने गाड़ी बाहर निकाल दी। थैंक यू सो मच भाई साहब आपका जो आपने मेरी मदद की। मैं आपको खुशी के तौर पर $1 देना चाहती हूँ, ये लीजिए मेरी तरफ से। गाइस यार मैंने तो ज्यादा पैसे की उम्मीद की थी लेकिन यार क्या ही बोले, अब जो मिल रहे लेना ही पड़ेगा। अरे थैंक यू सो मच यार आपने मुझे $1 तो दिया। और गाइस यार इसी के साथ हमने यहाँ पर $1 तो कमा लिया है। चलो पहले फटाफट साइड में जाता हूँ। गाइस यार ये गुफे वाली जगह अच्छी लग रही है, यहीं पर बैठ के रुको साइड खोल लेता। और गाइस यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट पर, यहाँ पर $1 में ये वाला सूट अनलॉक वाला है। ये मैंने टैप पे दबाया और भाई साहब यार यहाँ पर तो मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ एक नए वाले आयरन मैन के सूट में। लेकिन यार ये इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं दिख रहा है, ना ही इसके अंदर पावर्स है। लगता है कि मुझे और मेहनत करके और बहुत सारे पैसे कमाने होंगे तो ही मैं अच्छे अच्छे सूट्स बाय कर पाऊंगा। गाइस यार मैं और पैसे कमाने के लिए यहाँ पर बीच के किनारे आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिसको मेरे से मदद चाहिए। हाँ एक मिनट गाइस, यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं। अरे भाई साहब आपको कोई मुझसे मदद चाहिए क्या? मैं आपकी मदद कर दूंगा। अबे ये कैसा काला खिलौना है, चल भाग जा यहाँ से वरना तुझे अभी फोड़ दूंगा। यार मैं तो इनकी बस मदद करना चाहता था, ऐसे कौन भगाता है। और गाइस यार एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। अरे ये तो आयरन मैन का फोन आ रहा है। अरे आयरन मैन क्या हुआ? फ्रैंकलिन ब्रो यार जल्दी से मेरे घर आ जाओ, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। अच्छा अच्छा ठीक है आयरन मैन, मैं बस दौड़ के आ ही रहा हूँ। और गाइस यार यहाँ पर तो इमरजेंसी आ गई, आयरन मैन ने मुझे तुरंत बुलाया। लेकिन यार मैं भाग भाग के तो पहुंच नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक व्हाइट कलर की गाड़ी पड़ी है इसको ले लेता हूँ। और ये मैंने इसका कांच तोड़ दिया और इसको चालू भी कर दिया। चलो फटाफट अब इसे लेकर जाते हैं आयरन मैन के घर पे। लेकिन यार पता नहीं इसको क्या इमरजेंसी आ गई है, वो तो उसने कॉल पर मुझे बताया ही नहीं, वो वहां पर लगता है जाकर ही पता चलेगा। ओके सो गाइस यार फाइनली यहाँ पर मैं आयरन मैन के घर के पास तो आ चुका हूँ। और यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ, आयरन मैन भी बाहर ही है। यहाँ पर ये थॉर पड़ा हुआ है और वेनम भी है। और यार यहाँ पर ये आयरन मैन तो मुझे कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहा है। अरे आयरन मैन क्या हुआ? फ्रैंकलिन ब्रो यार एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, मिलिट्री बेस पर कुछ आतंकवादी घुस गए और उन्होंने मिलिट्री बेस पूरा अपने कब्जे में कर लिया है। और वहां पर वो लोग ने पता नहीं कोई एक मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं, वो मिसाइल में इतनी शक्ति कि वो एक साथ पूरे लॉस सेंटर्स को खाक में मिला सकती है। तो तुम्हें उस मिसाइल को लॉन्च होने से किसी भी हाल में रोकना होगा, जाओ उसे फटाफट डिफ्यूज करो। क्या बात कर रहा आयरन मैन, इसका मतलब लॉस सेंटर्स हमारा बहुत ही ज्यादा बड़े मुसीबत में है और मुझे किसी भी हाल में बचा नहीं होगा। लेकिन गाइस यार मैं तो पैसे कमाने निकला था। फ्रैंकलिन अगर तूने इस मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया ना तो मैं तुझे पूरे $1 million दूंगा। अरे डासू लूंगा, इस कलवे से कुछ नहीं होने वाला, इसे तो ठीक से झाड़ू पोछा भी नहीं मारना आता है, ये क्या मिसाइल को डिफ्यूज करेगा। अबे वेनम तेरी ऐसी की तैसी, ये ले मेरा मुक्का खा, हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है। यहाँ पर ये कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और बीच में इसको मस्ती सूझ रही है। गाइस यार इसको छोड़, इसका तो ऐसे ही चलता रहता है। आयरन मैन यार तू थोड़ा भी टेंशन मत ले, मैं फटाफट जाता हूँ मिलिट्री बेस और किसी भी हाल में उस मिसाइल को लॉन्च होने से रोकता हूँ। तो गाइस यार फाइनली यहाँ पर मैं मिलिट्री बेस में आ चुका हूँ और जैसा कि आप लोग देख सकते हो सामने वो रहा इतना बड़ा मिसाइल। और बाप रे बाप ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये तो एकदम लॉन्च के लिए तैयार है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा मिसाइल है। लेकिन यार इसके पास में तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, लेकिन यार इसको मैं डिफ्यूज कैसे करूं? एक मिनट गाइस, यहाँ पर इसका मुझे टावर दिखाई दे रहा है, मुझे ना इसके टावर के अंदर जाके इसका सिस्टम हैक करना होगा और सब कुछ तोड़ फोड़ करना होगा, तभी मैं इस मिसाइल को रोक पाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया यार जरा संभल के जाओ, यहाँ पर तो बहुत सारे आतंकवादी भरे पड़े हैं, आपको किसी भी वक्त कूट देंगे। हाँ शिनचैन यार उसी बात को तो डर है, और ये तो पूरा आतंकवादी लग रहा है, इसको मैंने ढीक से मारा, ये ले तेरे ऐसे के तैसे मसान। और गाइस यार फिर से खड़ा हो गया और ये देखो इसको मैंने अपने टकले से लड़ा के मारा। और यहाँ पर ये सब भी आतंकवादी है, खाली मिलिट्री बेस वालों को यहाँ पर ये लोग ने यूनिफॉर्म पहन रखा है। और गाइस यार यहाँ पर तो कुछ लोग दरवाजे से भी बाहर आ रहे, अभी इनको बताता हूँ, आज तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। और गाइस यार ये तो मुझे गन निकाल के मार रहा है, ये ले बेटे। और भाई साहब यार अंदर से एक और बंदा आया। और भाई साहब यार ये लोग तो एक एक करके आते ही जा रहे हैं और यहाँ पर तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा है, इनको मार के मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होगा, मुझे जाके फटाफट इस मिसाइल को लॉन्च होने से रोकना होगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी जाओ। हाँ शिनचैन यार अंदर जाने का रास्ता ही ढूंढ रहा हूँ। और गाइस यार यहाँ पर एक लिफ्ट मिल गई है, चलो फटाफट से अंदर जाता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, ये रही सीढ़ियाँ। और गाइस यार ऊपर आ रहे, यहाँ पर ये क्या दिख रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे आतंकवादी है और यहाँ पर तो इन्होंने पूरा सिस्टम अपने
कंट्रोल में ले रखा है। रुको फटाफट से गन निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने गन निकाली और ये जो पहले बाहर दूरबीन से देख रहा है इसको मारता है, ये मैंने इसको मारा और यहाँ पर बाकी के लोगों को भी मार देता है। ये देखो गाइस मैंने क्या ये लोगों को मार दिया है। अच्छा ये तो ये लोग के पास वेपन नहीं था। अरे फ्रैंकलिन भी आपने इस आतंकवादी को क्यों छोड़ दिया? मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं इससे पूछ सकूं कि ये मिसाइल कैसे डिफ्यूज होगा। ओए जल्दी बता कि ये मिसाइल कैसे डिफ्यूज होगा वरना मैं तुझे अभी गोली मार दूंगा। तुझे जो करना है कर, मैं नहीं बताऊंगा कि ये मिसाइल कैसे डिफ्यूज होगा। यार ये तो बहुत ही ज्यादा ढीठ है, ये नहीं बताने वाला। एक काम करता हूँ, सारा का सारा यहाँ पे जो सिस्टम पड़ा हुआ है ये सब कुछ तोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे कंप्यूटर्स तो तोड़ फोड़ दिए हैं। और यार मुझे लगता है कि उस मिसाइल को रोकने के लिए ना मुझे मिसाइल के पास ही जाकर देखना होगा। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, चलो फटाफट जंप कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। यहाँ पर मैंने पैराशूट खोल दिया है और ये मैंने कर दी यार लैंडिंग। भाई साहब यार मैं हमेशा मुंह के बल क्यों गिर जाता हूँ यार, बहुत ही ज्यादा जोर से चोट लग गई। लेकिन ये सब छोड़ो गाइस, यार आप लोग देख सकते हो सामने मिसाइल के पास कितने सारे आतंकवादी है और ये लोग तो मुझे मारना भी चालू कर दिया। इनकी ऐसी की तैसी, आज तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आ जाओ बेटे एक एक करके। और यहाँ पर मैंने क्या है इनको गोली मारी और आज तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। और गाइस यार यहाँ पर मैंने सारे के सारे आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन यार इसमें मिसाइल को कैसे रोकूं मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया इस मिसाइल को डिफ्यूज करने का रास्ता ना मिसाइल के आसपास ही होगा। अच्छा सिंचन ऐसा है क्या? और गाइस यार यहाँ पर तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बॉक्स जैसे, रुको इसको गोली मार देता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर मैंने गोली से मारा और ये क्या देख रहे हो, यहाँ पर तो एक कुछ फ्यूज कंडक्टर जैसा बाहर आ रहा है और यहाँ पर जो मिसाइल का काउंटडाउन था वो भी रुक चुका है। इसका मतलब गाइस यार यहाँ पर हम लोग ने मिसाइल को लॉन्च होने से बचा लिया है। यूहू गाइस यार हमने कर दिखाया। चलो फटाफट से जाके आयरन मैन को ये खुशखबरी देते हैं। यहाँ पर हम लोग आयरन मैन के घर पे पहुंच चुके हैं। और आयरन मैन यार तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, जो तूने मुझे मिशन दिया था वो मैंने कर दिखाया, इतने बड़े मिसाइल को लॉन्च होने से बचा लिया है और लॉस सैंटोस को भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत से बचाया मैंने। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब वादे के मुताबिक ये ले, मैं तुझे $1 million ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच यार आयरन मैन मुझे पैसे देने के लिए। और गाइस यार यहाँ पर पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। चलो गाइस यार फटाफट साइड में जाते हैं और उस वेबसाइट पर जाकर एक तगड़ा वाला सूट बाय करते हैं। और गाइस यार यहाँ पर एक $1 million वाला सूट मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैंने बाय किया। और भाई साहब यार यहाँ पर तो मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ एक आयरन मैन के गॉड वाले लेवल सूट में। और भाई साहब यार ये वाला सूट कुछ ज्यादा देखने में तगड़ा है और इसके अंदर तो पावर्स भी है। रुको फटाफट थोड़ा शहर में जाके इसकी पावर टेस्टिंग करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया यार मानना पड़ेगा इस सूट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मस्त मस्त सुपर पावर्स है। ये देखो कितनी मस्त मस्त लेजर्स निकल रही है, ये तो इतनी खतरनाक लेजर है कि किसी को भी चीर सकती है। हाँ शिनचैन वो तो है। और गाइस यार यहाँ पर मैं पावर उड़ाते उड़ाते यहाँ पर आ चुका हूँ। और ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर तो पुलिस की गाड़ियों की लाइन लगी है और यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं और यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग जल रहा है। रुको फटाफट ऊपर से जाकर देखता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है हल्क ने किसी को बंदी बना लिया है। रुको फटाफट जाकर किसी पुलिस वाले से पूछता हूँ। अरे पुलिस वाले भाई साहब यार यहाँ पर ये स्कूल में हो क्या रहा है? भाई साहब यार अंदर ना कुछ बुरे हल्क ने कुछ बच्चों को किडनैप करके रखा है और उनको छोड़ ही नहीं रहे और बोल रहे कि उनको मार देंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने एक इनाम रखा है, अगर कोई भी उन बच्चों को बचा कर लाएगा ना तो हमारी गवर्नमेंट उसको पूरे $1 billion देगी। अच्छा पुलिस वाले भाई साहब ऐसी बात है क्या? तब तो आप पैसे तैयार रखिए, मैं भी बचा कहता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर मैं अंदर है और ग्रीन हल्क को तो क्या ही जोर से टक्कर मारी, इतनी ज्यादा दूर जाके गिरा। अब इसको बताता हूँ, ओए बुरे हल्क चुपचाप इन बच्चों को छोड़ दो वरना तेरे लिए बुरा होगा। ये कौन आ गया रोबोट जैसा, तुझे जो करना है कर ले, हम इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बेटे नहीं छोड़ोगे, अभी बताता हूँ ये ले लेजर का क्यों मजा है ना। और गाइस यार यहाँ पर मैंने इन दोनों को तो कूट के रख दिया और बहुत सारे बच्चों को बचा भी लिया है। चलो फटाफट जाकर उन पुलिस वालों से पैसे मांगते हैं। भाई साहब जैसा कि आपने बोला था यहाँ पर मैंने सारे के सारे बच्चों को बचा लिया है। बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब आपने, ये लीजिए आपके $1 billion हमने अकाउंट में डाल दिए हैं आपके। रुको गाइस मैं भी चेक कर लेता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर मेरे अकाउंट में पूरे $1 billion आ चुके हैं। चलो गाइस यार फटाफट साइड में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने वेबसाइट को खोल लिया। चलो फटाफट से परचेस करते हैं $1 billion वाला सूट। और यहाँ पर मैंने परचेस पे दबाया और भाई साहब यार यहाँ पर तो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ $1 billion वाले सूट में। और गाइस यार आप लोग देख सकते हैं सूट दिखने में कितना ज्यादा तगड़ा है और भाई साहब यार इसके अंदर सुपर पावर्स भी उतनी ही ज्यादा तगड़ी होगी। चलो फटाफट लॉस सैंटोस के अंदर जाके इसकी पावर की टेस्टिंग करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया यार आपके सूट के अंदर पावर्स देख के तो मजा ही आ गया, आज से मैंने पहले इतनी खतरनाक सुपर पावर्स मैंने कभी नहीं देखी। बापरे बाप ये तो बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल वाला आयरन मैन का सूट है। हाँ शिनचैन वो तो है, और यार इसके अंदर खतरनाक सुपर पावर्स तो होंगी क्योंकि यार ये सूट भी तो उतना ज्यादा महंगा है, आखिरकार $1 billion वाला सूट है। और गाइस यार फाइनली आज के वीडियो में हम लोग ने $1 से लेके $1 billion
वाले सूट तक को भी कलेक्ट कर लिया। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको कौन सा वाला आयरन मैन का सूट पसंद आया कॉमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।